दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें टेक्निकल यू को, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में, मैं योगेश। इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ, आप अगर रिलायंस का अगर DTH यूज़ करते हैं, रिलायंस डिजिटल TV, तो कम्प्लीटली रिलायंस डिजिटल TV होने वाला है स्टॉप। तो इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। डिजिटल TV जो सर्विसेज थी वो अभी स्टॉप होने वाली है कम्प्लीटली नवंबर तक, जैसे कि 18 नवंबर तक ये कम्प्लीटली रिलायंस डिजिटल TV स्टॉप होने वाला है। तो उसके बाद में क्या आपको क्या क्या करना है, और अगर आपके पास रिलायंस का जो सिम होता है 2G 3G, तो 2G 3G भी स्टॉप होने वाला है रिलायंस का। तो रिलायंस डिजिटल TV अगर आपके पास है तो आप किस तरीके से रिलायंस डिजिटल TV को टाटा स्काई में फ्री अपग्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए रिलायंस डिजिटल TV अगर आपके पास है तो कम्प्लीटली बंद होने वाला है। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या कहता है, रिलायंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर शो कर रहा है रिलायंस डिजिटल TV सर्विसेज एक्सपायर इन नवंबर 2070। तो ठीक है, आप अगर ये देखिए आप अगर ट्राई करना चाहते हैं टाटा स्काई को, तो यहाँ पर न्यू कनेक्शन एब्सोल्युटली फ्री, अगर आप टाटा स्काई यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। आपको बस क्या करना है, इस नंबर पर मिस कॉल देना है 18 नवंबर तक। तकरीबन आज कितनी डेट है, आज से 15 दिन आगे आपको 15-20 दिन मिल रहे हैं। इन 15 दिनों में आपको बस इस नंबर पर मिस कॉल देना है, उसके बाद में आपको कॉल आएगा और बाकी की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो इसमें आपको 1 न्यू कनेक्शन जो होगा टाटा स्काई का वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, और योर रिलायंस डिजिटल TV अकाउंट बैलेंस विल बी एडेड इन टाटा स्काई अकाउंट। अगर आपने रिचार्ज कर रखा है आपके रिलायंस डिजिटल TV में, तो वो बैलेंस आपका टाटा स्काई के TV में ऐड हो जाएगा। और ये रीज़न ये है कि टाटा स्काई का जो ये सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो होता है, वो एक्सपायर होने वाला है रिलायंस का। तो रिलायंस वो रिन्यू नहीं करना चाहता है, कम्प्लीटली उसे बंद करना चाहता है, उसलिए वो टाटा स्काई को रेफर कर रहा है। तो आपका बैलेंस टाटा स्काई के अकाउंट में रेफर हो जाएगा, बस आपको इस नंबर पर मिस कॉल करना है और न्यू कनेक्शन अपग्रेड करना है। टाटा स्काई का बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन भी दिखाए गए हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है एप्लीकेबल सब्सक्राइब, यहाँ पर देखिए अवेलेबल इन tatasky.com। यहाँ पर अगर आप tatasky.com पर जाते हैं तो वहाँ पर भी इसकी डिटेल अवेलेबल है। बस आपको ये करना है, इस नंबर पर मिस कॉल देना है 18 नवंबर से पहले, उसके बाद में अगर आप करोगे तो आपको फ्री में न्यू कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द, आपके पास अगर रिलायंस डिजिटल TV कनेक्शन है तो इस नंबर पर मिस कॉल दीजिए और न्यू कनेक्शन एब्सोल्युटली फ्री आप अपग्रेड कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से रिलायंस डिजिटल TV के बारे में जानकारी है। तो इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहते हो आप, तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।